दिस इज मोना, वेलकम बैक टू मोना एंड विवान क्रिएशन। तो आज हम एक गुजराती स्पेशल डिश बनाने वाले हैं जिसका नाम है दूधीना मुठिया। अगर आप न्यू व्यूअर है और आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन पर जरूर से क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज हम जो बनाने वाले हैं गुजराती स्पेशल डिश दूधीना मुठिया, फर्स्ट ऑफ ऑल वो बहुत ही हेल्दी डिश है क्योंकि हम उसमें लौकी यूज़ करने वाले हैं। वैसे तो बच्चों को लौकी पसंद नहीं है, पर इस तरीके से आप लौकी की मुठ्ठी उन्हें बना के देंगे तो वो बहुत ही खुशी से खाएंगे और ये टी टाइम के लिए भी बहुत अच्छी डिश है। तो उसके लिए हमने ये सारे इन्ग्रीडियंट्स लिए हैं। कनकी कोरमा का आटा लिया है 1.5 कप, यानी कि ढोकला हांडवा का जो आटा होता है वो लिया है हमने। गेहूं का आटा 1/2 कप लिया है और उसमें मैंने ज्वार का आटा 1/2 कप मिक्स किया है। सोजी ली है 1/4 कप, बेसन लिया है 1/4 कप, 1 नींबू का रस और लौकी ली है हमने 400 ग्राम। आप चाहे तो 350 ग्राम या 500 ग्राम भी ले सकते हैं, पर जितनी लौकी ज़्यादा होगी उतना टेस्ट अच्छा आएगा। शिका हुआ जीरा पाउडर लिया हुआ है 2 टीस्पून, अजवाइन ली है 2 टीस्पून, सूखा अखा धनिया जो होता है वो हमने क्रश करके 2 टीस्पून लिया हुआ है, सौंफ ली है हमने क्रश की हुई 1 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर लिया है 1 टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार, गुड़ लिया है 1.5 टेबलस्पून, सूखी लाल मिर्ची का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 2 टीस्पून, धनिया जीरा पाउडर 1 टीस्पून, ग्रेटेड कोकोनट लिया है 2.5 टेबलस्पून, तिल लिए हैं हमने 3 टेबलस्पून, हरा धनिया पत्ता लिए हैं हमने कुछ, और खट्टा दही मैंने लिया है 2 टेबलस्पून। तेल लिया है 3 टेबलस्पून, उसके बाद अदरक लहसुन और मिर्ची की पेस्ट ली है 2 टेबलस्पून, जिसमें कि लहसुन 10 कलियाँ, अदरक 1 इंच और हरी मिर्ची 3 से 4 ली है। साथ ले लेंगे, उसमें कनकी कोरमा का आटा डाल दिया है मैंने, उसके बाद गेहूं का आटा और ज्वार का आटा मिक्स कर लिया है वो भी डाल दिया है हमने, बेसन डाल देंगे, सोजी डाल देंगे। सोजी से हमारे जो दूधीना मुठिया है वो थोड़े से क्रंची क्रिस्पी होंगे और ज्वार की वजह से सॉफ्टनेस भी रहेगी उसमें। अब नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, गरम मसाला पाउडर डाल देंगे, सौंफ क्रश की हुई वो भी डाल देंगे, सूखा आखा धनिया है उसे भी क्रश कर लिया है वो डाल देंगे, अजवाइन, उसके बाद सिका हुआ जीरा पाउडर वो डाल देंगे, धनिया जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे हम स्पून से। अब हम उसमें खट्टा दही डालेंगे और 1 नींबू का रस डाल देंगे। इन दो चीज़ों की वजह से जो है हमारा दूधीना मुठिया बहुत अच्छा लगेगा, खट्टा मीठा लगेगा। मीठा इसलिए क्योंकि हमने गुड़ भी डाला है, हमने गुड़ लिया है वो भी डाल देंगे। आप अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो ज़्यादा गुड़ डाल सकते हैं। हरा धनिया पत्ता डाल देंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हमने जो है सारे मसाले आटे के अंदर मिक्स करके साइड पर रख दिया है और उसके बाद ही हम लौकी को ग्रेट करेंगे। अच्छी तरह से उसको वॉश किया है और हम लौकी को जो है छील के ग्रेट करेंगे और उसे बहुत पहले ग्रेट नहीं करना, नहीं तो काली पड़ जाएगी और वो पानी भी छोड़ देगी। यही सही टाइम है लौकी को ग्रेट करने का। तो लौकी हमने ग्रेट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, उसमें अदरक लहसुन मिर्ची का जो पेस्ट हमने रेडी किया है वो अब हम लौकी में मिला देंगे, ग्रेटेड लौकी में, क्योंकि जो लौकी जो होती है वो टेस्टलेस होती है। तो हमने इस वजह से अदरक लहसुन मिर्ची का टेस्ट लौकी के साथ मिक्स किया है, तो जो है लौकी के साथ ये जो है टेस्ट देगी, थोड़ा सा तीखापन देगी लौकी में, वो फीकी नहीं लगेगी हमें लौकी खाने में। इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और इसे कुछ सेकंड्स के लिए रख देंगे।
अब जो आटा हमने रेडी किया है उसमें हम तिल डाल देंगे। उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमने जो ग्रेटेड लौकी हमने रखी हुई है जिसमें अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट भी हमने मिक्स कर दिया, वो हम इसमें डाल देंगे सारा। आप देख सकते हैं लौकी में से बिल्कुल पानी छूटा नहीं है। उसी तरीके से आपको लौकी तुरंत डाल देनी है, नहीं तो लौकी का पानी छूट गया तो वो थोड़ा सा फीका हो जाएगा। अब हम उसमें तेल डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसका सॉफ्ट डो बनाना है हमें। अच्छी तरह से हाथ से हम उसे मिक्स करके आटा गूंद लेंगे, बहुत ही सॉफ्ट आटा हम इसमें गूंदेंगे। बिल्कुल पानी नहीं डाला है हमने इसमें, हमारा डो रेडी हो गया है। अब जो हमारा डो रेडी है उसको हम 10 मिनट तक रेस्ट करने देंगे। तो जब तक हमारा आटा 10 मिनट तक रेस्ट कर रहा है तब तक हमें क्या करना है, एक इडली कुकर ले लेंगे, उसमें पानी डाल के उसे उबाल लेंगे इस तरीके से। और हमें एक प्लेट लेनी है जिसमें कि होल्स हो, आपको इडली कुकर में ये प्लेट आएगी ही। उसको हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया है इस तरीके से, और आप इतना ध्यान रखिएगा कि पानी जो है वो नीचे तक ही रहे, ऊपर डिश के ना आए। अब हमें दूधीना मुठिया बनाना है तो अब हम क्या करेंगे, सोडा डालेंगे। 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा हमने डाला है। अब याद रखिए 10 मिनट के बाद उसको रेस्ट करने के बाद ही हमें इसमें सोडा डालना है, और उसके बाद तुरंत हमें मिक्स करके मुठिया बनाना शुरू कर देना है। तो अब हम क्या करेंगे, बड़े साइज़ का बॉल लेंगे और डो का, और उसे इस तरीके से हम रोल करेंगे सिलेंड्रिकल शेप में। इस तरीके से हमें सिलेंड्रिकल शेप में रोल करना है। आप देख सकते हैं हमारा आटा बहुत ही सॉफ्ट है। इस तरीके से जो प्लेट हमने ग्रीस की हुई है उसमें हम रख देंगे, और जो है इसी तरीके से सारे मुठिया रोल्स हम बना लेंगे। आप देख सकते हैं 2 मुठिया के बीच में हमें इतनी स्पेस रखनी है क्योंकि वो थोड़े से फूलेंगे, इसलिए आप इस तरीके से उसे रखिए। आप देख सकते हैं हमारे सारे मुठिया रोल्स बनके रेडी हो गए हैं। इतने सारे भी जो है मुठिया रोल्स बना के ऊपर एक के ऊपर एक बना के भी रख सकते हैं। मैंने एक साथ ही सारे मुठिया रोल्स बना के रख दिए हैं। अब हम जो वो इडली कुकर है उसे हम खोल के देखेंगे। देखिए आप, पानी बहुत ही अच्छी तरह से उबल गया है। वो प्लेट मैंने पहले आपको खाली रख के दिखाई थी, अब हम इसमें मुठिया रख के ये प्लेट को हमें रखना है वापस इडली कुकर में, और उसे ढक देना है, और उसे 20 मिनट तक हमें फुल गैस पर पकाना है। अब हम 20 मिनट बाद मुठिया चेक कर लेंगे नाइफ़ डाल के इस तरीके से। अगर हमारा नाइफ़ क्लियर निकलता है उसका मतलब हमारा मुठिया पक गए हैं। तो अब हम उसे 10 मिनट तक ठंडा होने देंगे। अब 10 मिनट बाद हम क्या करेंगे, मुठिया को इस तरीके से एक एक रोल लेके हम नाइफ़ से कट करेंगे इस तरीके से। आप देख सकते हैं हमारा मुठिया एकदम सॉफ्ट और क्रिस्पी भी दिख रहा है। तड़का लगाना है, उसके लिए हमें ये सारी चीज़ें चाहिए। राई ली है हमने 2 टीस्पून, सूखी लाल मिर्ची ली है 4, लाल मिर्ची पाउडर लिया है, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर लिया है कलर के लिए 1 टीस्पून, ग्रेटेड कोकोनट लिया है 1 टेबलस्पून, तिल लिए हैं हमने 2 टेबलस्पून, करी पत्ता थोड़े लिए हैं हमने, पतंजलि की हींग हमने ली है 1/2 टीस्पून। हींग डालना ना भूले, ज़रूर से हींग आप डालिएगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा मुठिया में। गैस ऑन कर लेंगे, एक कढ़ाई में 4 टेबलस्पून तेल डाल के गरम कर लेंगे। अब हम उसमें रई डाल देंगे। जैसे ही हमारी रई स्प्लटर होने लगे अब हम उसमें सूखी लाल मिर्ची 4 डाल देंगे। अब हींग डाल देंगे। अगर आपको लगता है तड़का जल रहा है तो आप गैस की आंच धीमी कर दीजिए। करी पत्ता डाल देंगे, तुरंत तिल डाल देंगे। तिल को ज़्यादा नहीं पकाना है हमें। उसके बाद हम लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे। अब हमने जो सारे मुठिया कट किए हैं वो हम सारे डाल देंगे इसमें। थोड़े थोड़े करके आप डालिएगा और इस तरीके से मिक्स कर दीजिएगा, और उसके बाद इतने मिक्स हो जाने के बाद आप दूसरे मुठिया उसमें ऐड कर दीजिए और वापस से अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। बाकी सारे मुठिया भी हमने डाल दिए हैं और इस तरीके से हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और हमें 5 मिनट तक मुठिया को पकाना है।
अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और ग्रेटेड कोकोनट डाल देंगे। इसकी वजह से जो है मुठिया का टेस्ट और अच्छा आएगा। अगर आपको कोकोनट का टेस्ट पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मुठिया को इस तरीके से हमें हिलाना है जिस वजह से हमारा मुठिया टूटे नहीं। और आप देख सकते हैं हमारा मुठिया बिल्कुल रेडी है। अब आप इसे सर्व कर लीजिए। तो अवर टेस्टी एंड डिलीशियस दूधीना मुठिया आर रेडी टू सर्व। आप लौकी के मुठे एंजॉय कीजिए ग्रीन चटनी के साथ या सॉस के साथ, वो तो एवरग्रीन है हमारा केचप, उसके साथ भी ये बहुत अच्छे लगेंगे। सबको आज लौकी का मुठिया का रेसिपी का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो जल्दी से मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय बाय।